दोस्तों स्वागत आप सभी का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी आईपैड की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, यानी कि क्विक अनबॉक्सिंग होगी। यहाँ पर मैं आपको अपना लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूँ इस आईपैड का, जो कि आईपैड प्रो है 2021 वाला, वो भी 12.9 इंच, जो कि यहाँ पर मिनी LED डिस्प्ले के साथ में आता है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है दिखने में। मैं आपको यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि यार गेमिंग करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, मतलब आपको कितना मजा आएगा गेम खेलने में, वेरियस गेम्स में जहाँ पर आप लोग PUBG भी खेल सकते हैं, BGMI अगर वापस अभी आ जाता है तो खैर। और उसके अलावा यहाँ पर और भी चीजें होंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या अगर ये लेना चाहिए तो आपको अभी के टाइम पे ये सही रहेगा या फिर वेट करना चाहिए, या फिर आपका बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होने वाली, मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा। और आपको बहुत बढ़िया लगेगी वीडियो ये, क्योंकि वीडियो के ऊपर मैंने बहुत वेट किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा नाम है ऋषभ वर्मा, आप देखेंगे टेकसर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करें इस वीडियो की, तो ये वीडियो मेरे थोड़े से पुराने स्टाइल में होने वाली, जहां पर मैं टॉप कैम के साथ में यहां पर वॉइस ओवर करता था, तो आपको उसी की अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगी यहां पर अभी। तो अभी पहले आप लोग अनबॉक्सिंग देखिए, उसके बाद मैं बाकी चीज़ें बताता हूं आपको। तो कहां पर है हमारा बॉक्स, मेरा हमारा आईपैड प्रो 2021 M1 चिपसेट के साथ में। तो जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, और मेरा टूल भी आ गया पुराना वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर बहुत बड़ी सी जॉइंट सी इमेज है यहाँ पर, प्लस उसका वॉलपेपर दिखाई दे रहा है। तो ये तो इनका खैर कॉमन है ये चीज़ काफ़ी। तो यहाँ पर आईपैड प्रो लिखा है, और प्लस ये ऑनलाइन मंगाया है तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर बहुत सारे QR कोड दे रखे हैं, जिससे कि पता रहे कि मतलब ओरिजिनल, इसको स्कैन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी सी होती है, आगे में जितनी बड़ी होती है। और 256 GB वाला ये वेरिएंट है, जैसे आप देख सकते हैं। और मेरी चोट की तरफ मैं देख रहा हाथों की, क्योंकि बस लगती रहती है। तो खैर, तो यहाँ से हम पुल टैप होती है उसे खींच सकते हैं, पर इसमें नहीं है क्योंकि बंद है पूरा, तो इसमें नहीं हो सकता ये चीज़। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसे जल्दी से मैं ऑन कर लेता हूँ, और तब तक आप लोग भी अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। प्लस शायद मेरे को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, इसकी रैप को मैं जल्दी से हटा देता हूँ, और बॉक्स से अपने आईपैड को निकाल लेते हैं। एक तो बॉक्स इतना बड़ा, क्योंकि ये 12.9 इंच वाला आईपैड है तो इतना बड़ा है ये। तो इस तरीके से प्लस इसे निकालने में फिर एक दिक्कत की इसमें ना, अगर आप लोग कभी आपने कोई एप्पल का डिवाइस निकाला है तो यहाँ पर ना एक सेटिस्फाइंग सा क्लिक होता है, मतलब जब डब्बा ऐसे निकलता है तो इतनी ईजिली नहीं निकल पाता, वो थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस होता है अलग, इस पर एप्पल काम करता है अलग से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा सा आईपैड रखा है इसके अंदर, और यहाँ पर एक पुल टैब है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं इसे हम बाहर। और मैं इसे साइड में रख देता हूँ पहले निकाल के, क्योंकि इससे बाद में देखेंगे, इतना बड़ा इतना भारी सा है ये। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसके अंदर लिखा है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे बाहर निकाल देता हूँ चीज़ों को मैं। और इसके अंदर मतलब सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसके अंदर आपको जो एप्पल स्टिकर है अभी भी दो ही मिलते हैं, मतलब आईफोन के अंदर हो गया अभी एक ही स्टिकर आता है, पर इसके अंदर दो स्टिकर मिलते हैं। तो ये रहे हमारे स्टिकर जो हैं, मुझे बहुत पसंद है ये, मैंने अपने आईपैड के ऊपर भी लगाया जो दूसरा आईपैड है। प्लस यहाँ पर एक इसकी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी डिटेल्स दी हैं कैसे कैसे यूज़ करना है अगर आपको नहीं आता है तो। प्लस के साथ में और भी चीज़ें, वारंटी और जो भी है कुछ आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर फिर एक चार्जिंग ब्रिक है, जो कि मेरे एग्जिस्टिंग वाले आईपैड की ख़राब हो चुकी है, तो यहाँ पर एक ये ब्रिक मिलती है आपको 18 वाट की, तो उसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने आईपैड चार्ज करने में, क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर, मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। और इसके साथ में आप पीछे देख सकते हैं इसमें टाइप सी वाला जो पोर्ट है, यानी कि यहाँ पर आपकी टाइप सी लगेगी, तो टाइप सी टू टाइप सी केबल है, तो आपका आईपैड में टाइप सी लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप सी केबल, और इसे हटाते हैं, अब मेन आईपैड पे आते हैं। तो इसे जल्दी से मैं रिमूव कर लेता हूँ, और सच में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ होती है ये, जो यहाँ पर इसका रैप हटती है, ये सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ है। और यहाँ पर देख सकते हैं लाइडर स्कैनर है, दो कैमरा, एक 12 मेगापिक्सल एक 10 मेगापिक्सल, फ्लैश है, माइक्रोफोन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएंट के साथ में आता है तो आपको माइक्रोफोन भी मिलता है, मतलब वैसे भी है। तो इस तरीके से इसे हटा देता हूँ, काश मैं इसकी आवाज़ भी सुना पाता आपको, पर मुझे थोड़ा सा वॉइस ओवर करना पड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा था, तो मैं सोचा इस बार पहले वाले तरीके से करते हैं। और आप मुझे भी देख सकते हैं, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मेरे फिंगरप्रिंट ऑलरेडी आ चुके हैं इसके अंदर। तो इसे हम लोग, मैं इसका सेटअप करता हूँ, जल्दी से ऑन करके सेटअप कर लेता हूँ, और सेटअप को थोड़ा सा क्विक रखेंगे,
तो आपको कुछ नहीं करना, आपके लिए तो बहुत क्विक रहेगा क्योंकि मुझे सिर्फ 3 तक काउंट करना है, या आपको 3 तक काउंट करना है और सेटअप हो जाएगा। सेटअप हो चुका है, आईपैड ऑन हो चुका है और ये रही हमारी बड़ी सी एक डिस्प्ले। और अभी ये ओल्डर वर्जन पे इसे अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस 256 GB का है ये और कितनी स्टोरेज मिल रही है हमें। प्लस हम कैमरा देख लेते हैं एक बार छोटा सा क्विकली। तो कैमरा पहले हमें देनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन वगैरह, मतलब जो इसमें परमिशन मांगता है। और यहाँ पर हमारा मेन कैमरा है क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छा वाला कैमरा मिलता है, 12 MP का वाइड और 10 MP का अल्ट्रा वाइड। तो आपको काफ़ी अच्छी सी इसके अंदर कैमरा मिल जाएगा, कैमरा सेंसर मिल जाएगा। टिपिकल आईपैड वाला नहीं क्योंकि ये प्रो है, तो प्रो वाला ही कैमरा इसके अंदर। और ये मेरा डिटेलिंग नाइफ, तो देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है क्योंकि 120Hz की डिस्प्ले है, तो बहुत ज़्यादा स्मूथली ये वर्क करता है। तो ये काफ़ी स्मूथ है और आपको बहुत ज़्यादा फ्लूड तरीके से काम करता हुआ दिखाई देगा हर एक चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों अगर बात करें इस आईपैड के फीचर्स के बारे में, तो देखिए फीचर्स में सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है वो आती है इसकी डिस्प्ले। अब जैसे आपको पता है कि ये M1 चिपसेट वाला ये आईपैड है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर मेन बात करें इसकी डिस्प्ले की तो ये सबसे हायर वेरिएंट है अभी तक एप्पल का, जहां पर आपको 12.9 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलती है जो कि HDR डिस्प्ले है। प्लस इसके साथ में यहाँ पर आपको 1000 nits की ब्राइटनेस मिलती है। पीक ब्राइटनेस जो है इसकी वो यहाँ पर 1600 nits है। मैं पहले यहाँ पर छोटा सा क्लियर कर दूँ इस चीज़ को। देखिए पीक ब्राइटनेस का मतलब होता है जो एक इंडिविजुअल पिक्सल अगर वो 1600 nits तक पहुँच जाता है तो इसका मतलब है वो 1600 nits तक जा सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी की पूरी डिस्प्ले 1600 nits तक जा सकती है। यहाँ पर इनका मतलब होता है कि पीक ब्राइटनेस का मतलब है अगर एक पिक्सल भी 1600 जा रहा है यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है तो उसको पीक ब्राइटनेस बोल देते हैं। पर अगर बात करें इसकी जो कंप्लीट पैनल है वो कितना ब्राइट हो सकता है, तो यहाँ पर 1000 nits तक हो सकता है। देखिए आउटडोर में आपको यूज़ करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है। 120Hz की डिस्प्ले है तो आपको हर एक चीज़ एकदम स्मूथ मिलेगी। अगर आप लोग स्क्रॉलिंग करते हैं या फिर आप कोई भी कुछ भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और आपका यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि आपको एकदम फ्लूइड डिस्प्ले मिलती है, आप अच्छे तरीके से इसे यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा बात करें यहाँ पर तो एक बहुत ज़्यादा प्यारा पैनल है जहाँ पर सारे कलर आपको बहुत प्यारे दिखाई देते हैं क्योंकि लिक्विड रेटिना डिस्प्ले। तो यहाँ पर ना ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है एप्पल के, जो हायर वेरियंट्स आते हैं हायर जो डिस्प्लेज आती हैं जैसे कि इनकी प्रो डिस्प्ले HDR है तो उसके अंदर भी आपको मिनी LED डिस्प्ले मिलती है। तो इसी तरीके से आपको एक नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है जो कि आपको कंटेंट आपको बहुत प्यारे तरीके से दिखाएगा। आप कुछ भी इसके अंदर देख सकते हैं, कोई भी आपका 4K कंटेंट हो या 8K कंटेंट भी यहाँ पर सपोर्टेड है अगर आप लोग वीडियोज़ वगैरह देखते हैं। तो बहुत प्यारा पैनल है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसके अंदर। अगला जो फीचर है वो है यहाँ पर कैमरा। देखिए कैमरा की बात करें तो देखिए अगर पहले से क्या चीज़ आ रही थी कि आईपैड के अंदर एक कैमरा होता था, छोटा सा कैमरा होता था कि जिससे आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकें, पर अभी यहाँ पर चीज़ थोड़ी चेंज हो चुकी है क्योंकि ये एक आईपैड प्रो है, एक प्रो डिस्प्ले वाला है, एक प्रो फीचर्स वाला एक प्रो डिवाइस है, तो इसके कैमरा भी प्रो है। इसके अंदर आपको एक मेन सेंसर मिलता है जो कि 12 MP का जो कि वाइड एंगल सेंसर है। दूसरा यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है जो कि 10 MP का। फिर तीसरा सेंसर और मिलता है जो कि है एक LiDAR स्कैनर। अगर आपको LiDAR स्कैनर के बारे में जानना है तो यहाँ पर आपको ऊपर कार्ट में एक वीडियो दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं मैंने LiDAR को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था क्या होता है। फिर भी आपको छोटा सा बता देता हूँ, LiDAR की हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। 3D मैपिंग करता है, यानी कि अगर आप एक रूम के अंदर हैं या आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको 3D डॉट प्रोजेक्टर्स की हेल्प से यहाँ पर पूरा एक कैप्चर कर लेगा 3D तरीके से। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप हाइट मेजर कर सकते हैं कि अगर आपको आईपैड के सामने जाके खड़े होना है और ये आपकी हाइट 3D तरीके से स्कैन करके आपकी हाइट बता देगा। जैसे मेरी 170 cm बता दी इसने, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा लंबा नहीं हूँ मैं, छोटा सा ही हूँ, पर फिर भी यहाँ पर आप लोग बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसमें के अंदर गेम्स होते हैं, AR गेम्स होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, तो इस तरीके से आप लोग इसका जो LiDAR स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं वेरियस चीज़ों के लिए, क्रिएटिव वर्क के लिए, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो ये एक मेन सेंसर है। बात करें अगर इसके फ्रंट कैमरा के, तो फ्रंट में आपको 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा और एक बहुत ज़्यादा कैपेबल सेंसर है क्योंकि इसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड है। तो यहाँ पर जो इनका लेटेस्ट फीचर था आपका सेंटर स्टेज, वो भी आपको मिल जाता है। तो सेंटर स्टेज में क्या है कि आप लोग जिधर भी मूव करेंगे आपका कैमरा उधर के साइड जाएगा, यानी कि आपकी जो वीडियो कॉल्स हैं या आपकी नॉर्मल जो कॉल्स होंगी आप लोग उसमें अगर वीडियो कॉल कर रहे हैं, फेस टाइम कर रहे हैं या किसी जूम वगैरह भी उनके सपोर्ट आने स्टार्ट हुए हैं, तो अगर आप वीडियो कॉल वगैरह करते हैं तो जिधर भी आप लोग मूव करेंगे आपका कैमरा वहीं मूव हो जाएगा। अभी फिजिकली कैमरा मूव नहीं होगा क्योंकि अल्ट्रा वाइड कैमरा बहुत सारी इमेज कैप्चर करता है, फिर इस तरीके से आपको दिखाई देता है जैसे कि आपका कैमरा मूव कर रहा है जबकि आपका कैमरा स्टिल है।
है, पर आपका जो अल्ट्रा वाइड उसका व्यू है वो सिर्फ मूव कर रहा होता है, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और आप इससे काफी सारी क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा सेंसर है, काफी सही फीचर है। और अगर हम लोग यहाँ बात कर ही रहे हैं कैमरा की, तो उसके अलावा आपके पास यहाँ पर एंटरटेनमेंट का जो सिस्टम है, जैसे डिस्प्ले तो है ही है, उसके अलावा यहाँ पर आपको जो स्पीकर है वो भी काफी अच्छे खासे मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको क्वाड स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, चार चार स्पीकर, मतलब टोटल चार स्पीकर है, दो एक साइड में, दो एक साइड में, टोटल चार स्टीरियो स्पीकर है। तो साउंड सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको किसी अलग से 5 वाट का स्पीकर जो आता है ना छोटा वाला, उसकी जरूरत भी नहीं है। आप लोग सिंपल इस आईपैड की साउंड के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको एंटरटेन कर देगा ये। तो डिस्प्ले अच्छे, स्पीकर अच्छे हैं, जो कि इसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बो बन जाता है ये एंटरटेनमेंट के लिए अगर कोई लेना चाहता है तो। और अगर हम लोग एंटरटेनमेंट की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है, इसकी परफॉर्मेंस, जो कि एक मेन मेजर पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट है। अब अगर बात करें इस हाई एंड डिवाइस की, जो कि सबसे महंगा डिवाइस है इनका आईपैड के अंदर, आईपैड प्रो M1 वाला, तो M1 का मतलब यहाँ पर M1 चिपसेट मिलता है, जो कि एप्पल का जो चिपसेट है, जो उन्होंने अपने मैक सीरीज के अंदर लॉन्च किया था, यानी कि इंट्रोड्यूस किया था। तो ये एक बहुत ज़्यादा केपेबल, बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है M1। और यहाँ पर बात करें, ये आपको आईपैड के अंदर मिलता है, तो आपको एक छोटे फॉर्म फैक्टर में, एक टच वाले फॉर्म फैक्टर में मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट भी किया गया है। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है, या बोल सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशन नहीं है, जो इसकी इस कैपेबिलिटी को कम्प्लीटली यूटिलाइज कर सके। फिर भी जितनी भी एप्लीकेशन है सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से, सारे एकदम स्मूथ तरीके से काम करके देंगे। फिर चाहे वो गेमिंग करनी हो, जहाँ पर आप लोग BGMI खेल सकते हैं, BGMI नहीं का अगर वापस आ जाता है तो BGMI आपको यहाँ पर स्मूथ और 90 FPS पे खिलाएगा, और 90 FPS बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी, आप बहुत देर तक गेम खेल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई भी गेम खेलते हैं आप, चाहे COD खेलते हैं, चाहे आप और भी इतने सारे गेम्स हैं, चाहे Apex खेल लीजिए, तो आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा बात करें परफॉर्मेंस की ही, तो यहाँ पर आपको चाहे आपको वीडियो एडिटिंग करनी हो तो वो भी आप काफ़ी अच्छे तरीके कर सकते हैं। देखिए वैसे स्पेसिफाइड नहीं है कि ये जो डिवाइस है ये स्पेशली वीडियो एडिटिंग के लिए ही है, क्योंकि अगर 4K रिकॉर्डिंग करेंगे आप, 4K रिकॉर्डिंग एडिट करेंगे, थोड़े बहुत आपको फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल सकता है। जैसा मैंने बताया, जो डिवाइस है ये केपेबल है यहाँ पर कि अच्छे तरीके से आपको सारे काम करके दे, पर क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छी वाली, मतलब बहुत ज़्यादा रैम नहीं मिलती है, अभी रैम स्पेसिफाइड नहीं है, और मैं स्पेसिफिकेशन बता भी सकता हूँ पर ज़्यादा कुछ मतलब बनता नहीं है उसका। फिर भी जो OS है आईपैड OS, वो इतना केपेबल नहीं है अभी भी कि वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके इस M1 चिपसेट का। तो यहाँ पर आप लोग 4K एडिटिंग कर पाएंगे, वीडियो एडिटिंग, पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं होगी, आप थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, वही चीज़ बतानी है बस मुझे। तो यहाँ पर आप लोग एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर और भी बहुत सारे काम हैं, आपको कोई क्रिएटिव वर्क करना है, आपको अपनी जो एप्पल पेंसिल, अगर आपके पास एप्पल पेंसिल है तो आप लोग वो भी इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपने अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर आप लोगों को ड्राइंग करना पसंद है ड्राइंग कर सकते हैं। हाँ, पेंसिल अलग से आएगी इसकी, जो कि मैग्नेटिकली कनेक्ट भी हो जाती है, तो वो चार्ज होती रहती है मैग्नेटिक आपको कनेक्ट होने के बाद में आईपैड के साथ में। प्लस उस पेंसिल के अंदर जेस्चर्स भी होते हैं कि आप डबल टैप करें तो आप लोग स्विच कर सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं पेंसिल के अंदर भी। अगर आप लोग पेंसिल भी खरीदते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करके वो काम करने वाली है। तो बात वापस आते हैं आईपैड के ऊपर, तो आईपैड में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई कहीं से कहीं तक भी। फिर आते हैं बैटरी के अंदर, तो बैटरी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको यहाँ पर 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि USB-C पोर्ट है, और USB-C पोर्ट जो है यहाँ पर वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ अभी, वो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है यहाँ पर /USB 4 पोर्ट। इसके अंदर आपको डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, यानी कि डिस्प्ले पोर्ट भी है ये इसके अंदर आपसे, यानी कि आप इसमें से आप एक डिस्प्ले भी ले सकते हैं, अगर आपके पास एक्सटर्नल मॉनिटर है तो अच्छे तरीके से वो वहाँ पर मिरर हो जाएगा। तो आप डिस्प्ले पोर्ट भी है, जैसे थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी है, काफ़ी अच्छी खासी स्पीड मिलेगी, यानी कि आप लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, उसके थ्रू किसी डिवाइस को चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ हो जाएगी, या फिर आप लोग और भी एक्सेसरीज कनेक्ट करते हैं तो Type-C पोर्ट काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ होने वाला है। और अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ में का आपको कनेक्टर भी मिलता है, मैग्नेटिक कनेक्टर, जिसके थ्रू आप अपने आईपैड के साथ में वेरियस जो एक्सेसरीज हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे मेन जो आता है वो तो उसका कीबोर्ड ही है, लेकिन जो उसका मैजिक कीबोर्ड आता है वो उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर केस प्लस कीबोर्ड आपको साथ में मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है, तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है उसकी तो आप उसे नहीं खरीदेंगे। फिर भी एक अच्छा एडिशन है कि अगर आप लोग को एक एक्सेसरी लगानी है तो इसके अंदर और एक्सेसरीज भी आती हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर बात करें यहाँ पर इसकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की, तो इसके अंदर आपका फिर आ जाता है यहाँ पर वाईफाई 6 मिलता है आपको, लेटेस्ट वाला ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। इसके अलावा आपको अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो फ्रंट में ही आपको फेस आईडी सिस्टम मिल जाएगा, तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को सिर्फ स्वाइप करना आपका आईपैड अनलॉक हो जाएगा। तो टॉप ऑफ द लाइन जो चीज़ें हैं वो सब आपको इसके अंदर मिल जाती हैं।
अब अगर बात करें इसके अलावा यहाँ पर इसका मेरा जो रिव्यू क्या है, तो ये देखिए इसे बहुत ज़्यादा महीने हो चुके हैं, कि ज़्यादा 5-6 महीने हो चुके हैं इसे यूज़ करते हुए, और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी किया है इस आईपैड को, जिसके अंदर से प्रो क्रिएट भी यूज़ किया है और इसके अंदर वीडियो एडिटिंग भी की है, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तो सब कुछ करने में मज़ा आया। पर यहाँ पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट ही है, ये आपको सभी चीज़ें परफेक्टली हो जाएंगे ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया ऑप्टिमाइजेशन की जो चीज़ है, अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं तो ऑप्टिमाइज तरीके से नहीं होगी वो, तो अगर आपको 1080 में करनी है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, और 4K में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। पर अगर बात करें ये अगेन ये आपका वीडियो एडिटिंग के लिए डिवाइस नहीं है, ये आपका मेन आपका क्रिएटिविटी वर्क के लिए, जहाँ पर आप लोग पेंसिल को यूज़ करें, इसके डिस्प्ले को टच के लिए यूज़ करें, तो मेन उसके लिए है ये। और अगर बात करें यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस आईपैड के साथ में। अब अगर बात करें आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस क्वेश्चन के ऊपर, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका तो बहुत अच्छा आंसर ये है कि आप इसे ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि 2022 में इसे लेने का मतलब है कि आप लोग कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और आगे भी आपको काफ़ी साल तक अभी अपलोड मतलब इसके जो अपडेट है वो मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल लेटेस्ट है, 2021 के अंदर ही आया है। और अगर बात करें अभी 2022 में कोई भी इरादा नहीं है एप्पल का, कोई लीक्स नहीं है, तो आपको 2022 में कोई आईपैड देखने को नहीं मिलेगा, प्रो की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और 2023 के भी अंदर चांसेस कम है, क्योंकि अभी भी कुछ भी यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया गया है, कोई लीक्स नहीं आए हैं, पर फिर भी हो सकता है 2023 के अंदर मिड तक आ जाए, तो 2023 मिड तक आपको कोई आईपैड देखने को नहीं मिलेगा प्रो में, तब तक ये बिल्कुल आपका परफेक्ट है। अगर आप लोग अगर थोड़े से पैसे बचाना चाहते हैं तो आप इसके अलावा किसी प्रीवियस जनरेशन वाले के पास भी जा सकते हैं, जैसे कि तो आईपैड प्रो 4th जनरेशन है, तो आप 3rd जनरेशन या 2nd जनरेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये काफ़ी ज़्यादा केपेबल आपका प्रोसेसर आते हैं इनके अंदर, प्लस जो OS है काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, पर इसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर की कमी है जो उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज कर सकें, बस वही एक चीज़ है एप्पल को उसी पे काम करना है उसके डेवलपर्स को, कि ऐसे मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाएं, ऐसे चीज़ें बनाई जाएं जो कम्प्लीटली यूटिलाइज कर सके, जिससे कि हम आईपैड को और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वैसे iOS जो 16 आया है वो अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, पर iOS 16 के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको यूटिलाइज करने में हेल्प करेंगी, तो एक काफ़ी अच्छा पैकेज है, आप लोग जाके जरूर खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो भी इसका बेस्ट बाय लिंक है, और वीडियो शेयर कर सकते हैं आपको पसंद आए तो, और मुझे बताइए फीडबैक अपना कमेंट करके कैसी लगी वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम मिलता हूँ सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए